अउज़ुबिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ फैसल सैयद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन किराम, बड़ी खुशखबरी, सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन का ऐलान कर दिया। इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, इस पर बात करते हैं। आपको मालूम है नाज़रीन कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद एक अलग से बयानिया बनाया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है वो 3-2 की अक्सरियत से सुनाया गया है, जबकि हुकूमत कहते हैं कि ये फैसला जो हाँ में है वो 3 का है और जो ना में है वो 4 का है। यहाँ पर सारा जो मामला आपको समझ आ जाएगा कि इस बयानी को लेकर अब आगे चला जाएगा और कितने ज़ोर शोर से चला जाएगा। ऑडियोज़ वीडियोज़ को जो है वो उनका सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्तलिफ सियासी कादीन के हवाले से अब अदालतों के बारे में भी सुना है कि वो भी ऑडियोज़ आने वाली हैं। ये सारा कुछ इलेक्शनों से फरार के रास्ते के लिए किया जा रहा है या इसके और मकासद हैं। आपको मालूम है कि अप्रैल में, 30 अप्रैल को इलेक्शन करवाते हैं, मार्च में रमज़ान आ रहा है, रमज़ान से पहले महंगाई का एक तूफ़ान खड़ा कर दिया जाता है। जो ज़हीरा अंदोज़ हैं, हर दफ़ा कहा जाता है गरीब आवाम का ख्याल रखा जाएगा, हुकूमत ख़ुद क्या करती है, हर दफ़ा लारे लगाती है। कोई भी हुकूमत ले, ये ले लें, इमरान खान की हुकूमत ले लें, पीपल्स पार्टी की ले लें, हर दफ़ा रमज़ान में रमज़ान गरीब शख्स के लिए एक अजाब बना दिया जाता है। अस्तगफिरुल्लाह, रमज़ान का महीना गरीब गुरबा के लिए एक जो है वो आजमाइश बन जाता है। कौन बनाता है? ये गरीब, ये जो ज़खीरा दोस्त हैं, ये मुनाफा खोर हैं, और हकूमत के ये लोग, ख़ुद हकूमत जो है ये आवाम को जो है वो मुश्किल पैदा करती है। अब वो ज़खीरा दोस्तों की बात छोड़ें, आज यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है प्राइसिस की नई लिस्ट बना दी गई है, जिसमें दूध जो है वो 30 रुपये महंगा कर दिया, चीनी महंगी कर दी, आटा महंगा कर दिया। फिर मतलब है यूटिलिटी स्टोर के अंदर जो भी आप अपनी ज़िंदगी को मेंटेन रखने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल के लिए लाते हैं वो सब महंगी कर दी हैं। ज़हीरान दोस्तों, चोरों को तो छोड़ें ना, वो तो जो करेंगे वो तो करेंगे, हुकूमत क्या कर रही है? अब ये इतनी सारी महंगाई करने के बाद, इतने सारे जो है आपने मिनी बजट में जो आम का जीना दोबर कर दिया है वो पेश करके, फिर ये जो आप प्राइस लिस्टें जो नई भेज रहे हैं और जिसके साथ ही नोटिफिकेशन भी जारी कर देते हैं फराख दिली से, बिजली की कीमतें बढ़ा दी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, साथ आगे 30 अप्रैल को इलेक्शन होगा, तो हुकूमत के पास तो वहाँ जाने के लिए कुछ भी नहीं है। मरियम साहिबा की अगर आप तकरीर उठा के देख लें तो उन्हें इमरान खान के अलावा उन्हें कोई टॉपिक नहीं मिलता। वो इमरान खान को लेकर उसके पीछे छुपकर अपनी सियासत कर रही हैं, क्योंकि उनको अवाम के सामने रखने को कुछ नहीं है कि हमने क्या दिया। आज इसहाक डार की उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो फरमा रहे हैं सारा गंद जो है ना उन्होंने अपनी नालायकी का इमरान खान पर डाल दिया। गोया पूरी हुकूमत इस वक्त जो है वो अपने इकतदार को तवालत देने का जो जिम्मेदार है वो इमरान खान है। भाई, अगर आपसे मोशत नहीं संभलती, आप कहते हैं कि इमरान खान जो है वो गड़ी चोर है, वो पता नहीं क्या क्या चोर है, आप इलेक्शन करवाएं, अवाम से फैसला ले लें, सीधी सी बात है। छोड़ दे अदलिया को, किसका वो लाडला है किसका नहीं लाडला, अवाम का लाडला कौन है ये अवाम में जाकर आप फैसला करवा लें। अगर आप अवाम के लाडले हैं तो अवाम आपको ले आएगी, अगर वो अवाम का लाडला है तो फिर उसको ले आएगी। जरदारी अवाम का लाडला है या मौलाना फजल रहमान साहब इमामत करने आ जाते हैं अवाम की, अवाम उन्हें ले आती है, तो कोई नहीं रोक सकता। हकीकत से आंखें चुराते हुए लाठी डंडा गोली पर अगर आप इकतदार को तूल देंगे तो मुल्क तबाह होगा। ये अवाम जो अभी आप ये सारा कुछ सह रही है, शायद ये इनकी भी बर्दाश्त से बाहर हो जाए। ये वो अवामिल हैं जिसकी वजह से इलेक्शनों से पहले आज बाबर अवान साहब का बड़ा अहम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने के लिए सीरियस थ्रेट्स जो है उस और कुछ एविडेंसेस उन्होंने रखे, और कुछ अभी तक हालात व वाकयात पेशी पर बार बार बुलाने के हवाले से उन्होंने जो बात की है वो बड़ी अहम है। वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में डिटेल से बात करूँगा कि
किस तरह से अगर बेनजीर के कत्ल को सामने रखा जाए तो उस तरह की मासलत क्या आती है, इस पर बात करूँगा। अब इस वक्त आप अता तारक साहब का उठा के बयान देख लें, वज़ीर दाखला साहब का बयान उठा के देख लें, मरियम साहबा की बार बार की तकारीर जो है, उनका जो गैज़ो गज़ब है, उनकी तकरीर में अनवान ही कोई नहीं ना, मौजू कोई नहीं है। एक इमरान खान साहब को पूरा 2 घंटे 4 घंटे बुलवा लें और उनके पास आवाम को बताने के लिए है कुछ नहीं, वो भी लगी रहेंगी इमरान खान इमरान खान। तो अब इन सब का जो बयानिया उस पर गौर कीजिए, वो ये है कि ये अवाम अदलिया का लाडला है, ये जनाब अदलिया इसको रिलीफ दे रही है, ये इस्टेब्लिशमेंट का लाडला है। तो आप किस लिए लाडले, आपको जो लाने वाले हैं आप ये भी बता दें कि आप किसके लाडले थे, ये ग्रुप किसका लाडला था जिसको लाया गया एक चलती हुकूमत को, आपकी नवाज शरीफ की हुकूमत को चलती हुकूमत को किसने हटाया आपको मालूम है, फिर इमरान खान की चलती हुकूमत को गिराने के भी वही जिम्मेदार हैं जिन्होंने आपकी हुकूमत गिराई थी। इमरान खान को लाने वाले भी वही हैं जो बार बार नवाज शरीफ साहब को लाए। तो आप किस मुंह से अवाम के सामने जो है तो इमरान खान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं, अवाम पर फैसला छोड़ दें, आप पॉपुलर हैं तो आप आ जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इन सब के बयानिए उठा के देख लें, वो है इलेक्शन से फरार। इसका एक्सट्रैक्ट जो है ना इनकी सारी बातों का, वो इलेक्शन से फरार है। अब ये 30 अप्रैल से पहले क्या खड्डा खोल देंगे, क्या कोई नई राह निकाल देंगे, क्या कोई नया कोई ऐसी अफरा तफरी फैला दी जाएगी जिससे इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन हो जाए। ये कहते हैं ना कि हम एक बार इलेक्शन कराएंगे, आज इमरान खान ने वो भी कह दिया, वो मुल्क का सोचता है और ये ग्रुप मुल्क का नहीं सोचता, ये अपना सोचता है। उसने ये जिद भी छोड़ दी कि 2 सूबों को अलग इलेक्शन कराएं, वो कहते हैं एक ही बार इलेक्शन करा दें, मुल्क का खर्चा बच जाएगा, आसानी से हो सकते हैं, एक ही बार इलेक्शन करा दें, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। ही इज़ कॉन्फिडेंट कि अवाम उसके साथ है, तो अब इस पे आप क्या रिफ्यूज़ करेंगे? इंतहाई मखदूश हालात हैं। आप इसहाक डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर उसका लहजा देखें, उनके रिफ्लेक्सेस देखें, इंतहाई टेंशन में हो, नाकामी की टेंशन है, आगे बढ़ने से पहले IMF और क्या मनवाएगा और क्या लकीरें निकलवाएगा, ये टेंशन है। तो आने वाले हालात जो है, अल्लाह खैर करे, अल्लाह बेहतर करे सबके लिए, रब ताला बेहतरी फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।